हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब एल्गोरिथम्स की। तो देखिए, सब एल्गोरिथम्स क्या होता है कि सब एल्गोरिथम इज़ ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंटली डिफाइंड एल्गोरिथमिक मॉड्यूल विच इज़ यूज और इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय सम मेन एल्गोरिथम और बाय सम अदर सब एल्गोरिथम। तो मेन एल्गोरिथम से या सब एल्गोरिथम से किसी सब एल्गोरिथम मॉड्यूल को हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो उस मॉड्यूल को सब एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए सब एल्गोरिथम रिसीव्स वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स फ्रॉम एन ओरिजिनेटिंग और कॉलिंग एल्गोरिथम, परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस एंड देन सेंड्स बैक द रिजल्ट टू द कॉलिंग एल्गोरिथम। यानी कि इसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो मॉड्यूल होता है, जो उसका छोटा पार्ट होता है एल्गोरिथम का, ठीक है, इस मॉड्यूल को हम सब एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड और इन्वोक्ड और कॉल्ड इन ए मेन इन द मेन सब एल्गोरिथम और इन द मेन एल्गोरिथम और अदर सब एल्गोरिथम्स। यानी इस मॉड्यूल को मेन एल्गोरिथम में कॉल कर सकते हैं या और भी सब एल्गोरिथम इस मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब एल्गोरिथम क्या करता है कि इट रिसीव्स वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स फ्रॉम एन ओरिजिनेटिंग एल्गोरिथम, performs computations and then sends back the result to the calling algorithm. तो ये वो अपना जो भी काम उसको करना है, जैसे मान लीजिए ये हमने कहा कि ये एक algorithm है, ठीक है। अब ये algorithm क्या करता है, ये मान लीजिए दो नंबरों को, जैसे हम इसको दो नंबर देंगे तो उन दो नंबरों को, या दो से ज़्यादा, हमने कहा मान लीजिए 10 नंबर हम उसको इनपुट करते हैं इस algorithm को, हम 10 नंबर देते हैं, 10 डाटा वैल्यूज देते हैं, और ये एल्गोरिथम क्या करती है कि उनका हमको सम कैलकुलेट करके देती है, और जो भी हमने 10 वैल्यूज इसको दी हुई है उसका सम कैलकुलेट करके देती है, सब्ट्रैक्शन या मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हो गया और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके देती है, ठीक है। तो अब इसमें एक तरीका तो ये है कि इसका हम पूरा एल्गोरिथम लिखे, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते चले जाए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि ये कुछ लाइनें जो है ये सम कर रही हैं उन 10 नंबरों का, ठीक है, और ये जो लाइन्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए सम है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा जो है एक एल्गोरिथम बन गया। अब इस जो सम वाली जो लाइन्स हैं जहाँ पे सम हो रहा है इन नंबरों का, इसको हम एक मॉड्यूल मान सकते हैं, और जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको हम दूसरा मॉड्यूल मान सकते हैं, और इनको हम इस एल्गोरिथम से अलग एक मॉड्यूल की तरह से या एक सब एल्गोरिथम की तरह से इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी नंबर हम सम वाले में इनपुट करेंगे उसको टोटल करके वो वापस दे देगा जहाँ से कॉल किया गया था, मल्टीप्लिकेशन वाले में भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट है उसको वापस भेज देगा जिस पॉइंट पे उसको कॉल किया गया था, ठीक है। द सब एल्गोरिथम इज डिफाइंड इंडिपेंडेंटली सो दैट इट मे बी कॉल्ड बाय मेनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स और कॉल्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम एल्गोरिथम, ठीक है। तो इन सब एल्गोरिथम को सेम एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइम हम कॉल कर सकते हैं या डिफरेंट एल्गोरिथम्स, अलग अलग एल्गोरिथम्स भी इनको कॉल कर सकती है। तो ये जो मॉड्यूल होता है, ये जो छोटे पार्ट होते हैं एल्गोरिथम के, दे आर कॉल्ड सब एल्गोरिथम, या दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम में, ठीक है, और सब एल्गोरिथम में वही रिलेशन होता है जो प्रोग्राम में और
उसके मॉड्यूल में या उसके सब प्रोग्राम में होता है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए सब एल्गोरिथम इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन ए मेन प्रोग्राम एंड ए सब प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम और सब एल्गोरिथम में वही रिलेशन होता है जो प्रोग्राम में और सब प्रोग्राम में होता है। अब इसके सब एल्गोरिथम के हम फॉर्मेट की बात करेंगे कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ ए सब एल्गोरिथम एंड दैट ऑफ एन एल्गोरिथम इज दैट द सब एल्गोरिथम विल यूजुअली हैविंग ए हेडिंग, ठीक है। सब एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम हेडिंग उसको डिफाइन करते हैं, और यही मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ ए सब एल्गोरिथम एंड दैट ऑफ एन एल्गोरिथम। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सब एल्गोरिथम की, तो इसमें हम हेडिंग इस तरह डिफाइन करते हैं, ये मान लीजिए सब एल्गोरिथम का नाम हो गया और ये इसके आर्गूमेंट हो गए पी ए आर वन पी ए आर टू अप टू से पी ए आर के तक। ये हो गया पी ए आर के। अब इसमें जो ये नेम है ये तो नाम बताता है सब एल्गोरिथम का कि हमने जो भी नाम रखा है जिस नाम से ये कॉल किया जाएगा मेन एल्गोरिथम के द्वारा या अदर सब एल्गोरिथम के द्वारा। और ये पी ए आर वन पी आर टू पी ए आर के जो है दे रिफर्स टू पैरामीटर्स विच आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द सब एल्गोरिथम एंड द कॉलिंग एल्गोरिथम। तो ये पी ए आर वन और पी आर टू क्या करते हैं, ये उन पैरामीटर्स को रिफर करते हैं, ठीक है। विच आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द सब एल्गोरिथम एंड द कॉलिंग एल्गोरिथम। ये चीज ध्यान देने वाली है। और इसमें जो एक चीज बतानी है आपको कि अनदर डिफरेंस इज दैट द सब एल्गोरिथम विल हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट रादर देन एन एग्जिट स्टेटमेंट। तो जैसे सब एल्गोरिथम में आप लिखेंगे लाइंस तो उसमें लास्ट में क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगा, और जबकि एल्गोरिथम में जो लास्ट लाइन होती है वो एग्जिट स्टेटमेंट होती है। इसमें डिफरेंस यही होता है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है सब एल्गोरिथम का तो इसका कंट्रोल लौट के एल्गोरिथम पे उसी पॉइंट पे चला जाता है जहां से इसको कॉल किया गया था, और जबकि एल्गोरिथम में आप लास्ट स्टेटमेंट देते हैं एग्जिट का तो वहां पे फिर एल्गोरिथम का टर्मिनेशन हो जाता है। अब जो सब एल्गोरिथम्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होता है फंक्शन सब एल्गोरिथम और दूसरा होता है प्रोसीजर सब एल्गोरिथम्स। वन इज फंक्शन सब एल्गोरिथम और दूसरा होता है प्रोसीजर सब एल्गोरिथम। अब इसकी एग्जाम्पल लेके हम आपको वन बाय वन क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको एक एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि आपको फंक्शन सब एल्गोरिथम क्या है और प्रोसीजर सब एल्गोरिथम क्या है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देने वाली है कि वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द सब एल्गोरिथम इज दैट द फंक्शन सब एल्गोरिथम रिटर्न्स ओनली ए सिंगल वैल्यू, मतलब फंक्शन सब एल्गोरिथम जो है एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और किसको रिटर्न करता है, टू द कॉलिंग सब कॉलिंग एल्गोरिथम या कॉलिंग प्रोग्राम को। और जबकि जो प्रोसीजर सब एल्गोरिथम है ये मोर देन वन वैल्यू इट कैन रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम, ये एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है कॉलिंग प्रोग्राम को। यही बेसिक डिफरेंस होता है फंक्शन सब एल्गोरिथम में और प्रोसीजर सब एल्गोरिथम में। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है सब एल्गोरिथम में या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का, और इसको स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते चलेंगे तो आगे फिर आपका जो फुल फ्लैज पेपर आता है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग भी आप करते हैं तो उसमें आपको आसानी रहेगी।
अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि